अब चलते हैं यहूदी इलाके की तरफ। कदीम शहर के इस रिबा में आपको बहुत से मुकद्दस और तारीखी मकामात देखने को मिलेंगे। तौरात की आयत 122 में बयान है, यरूशलेम के अमन के लिए दुआ गो रहो, इससे मोहब्बत करने वाले ज़रूर फले फूलेंगे। इस इमारत में शाह दाऊद का मकबरा है। यहाँ आने वाले कुछ लोग तो इबादत करने और अजीम यहूदी बादशाह और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जद्दे आला को खराज अकीदत पेश करने आते हैं, जबकि बाकी इमारत के साथ वाके इंतज़ार गाह में आवेज़ा मुकद्दस सहीखों पर नज़र दौड़ाते रहते हैं। मकबरे का ख़ास मुकाम सब्स मखमल से ढका हुआ है, जिस पर इब्रानी जबान में कड़े हुए अल्फाज यहूदी बच्चों का इब्तदाई नगमा है। ये गीत बच्चों में ये एहसास पैदा करता है कि दाऊद की रूह बदस्तूर उनमें मौजूद है। ये चर्च, जिसमें बाजमात इबादत का अहतमाम किया जाता था, पहली सदी ईस्वी के यहूदी मसीही फिरके के जेर इस्तेमाल रहा। ये गिरजाघर पैगंबरों का गिरजा भी कहलाता है। रफ्ता रफ्ता पहले तो यहूदियों ने और फिर मुसलमानों ने भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मकबरा तस्लीम कर लिया। दाएं जानेब मुसलमानों ने एक मस्जिद तामीर की है, जहां वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने आते हैं। इस बेहद कदीम मस्जिद में अहद कदीम के क्लासिकी फ़न तामीर की छलक नुमाया होती है।